एकदम सी है रास्ता। अभी हम सतनाला पहुंच गए हैं और वो लोग पीछे से आ रहे हैं, देखिए चल नहीं पा रहे हैं। बनने वाली है, बस बहुत पतली बनी है, पानी बहुत। आज शुक्रवार का दिन है, आज हम जा रहे हैं अपने पुराने घर में जहाँ पहले हमारे बुबू लोग रहते थे। अभी दिखाऊंगा, अभी मैं ये घर से निकल रहा हूँ, घर है मतलब। फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं, ये देखिए। अभी यहाँ से कम होगा 2 से 2.5 किलोमीटर तो नीचे होगा ही, नीचे डाउन में है, वहीं जाएंगे अभी हम लोग। अभी हमारे कुछ हमारे चाची लोग हैं वो आगे हैं, उनको भी साथ में ले चल जाना है, उसके बाद जाएंगे हम लोग। हमारे ब्लॉग को कुछ आजकल यहाँ पर फसल भी बहुत अच्छी हो रही है, देखो ये दिख रहा होगा, ये पिडालू है, देखो देखो घास भी बहुत सारी हो रही है आजकल। कई समय कम से कम 4-5 महीने बाद गांव में आ रहा हूँ अभी, ये देखिए इतनी घास लगी पड़ी हुई है, रास्ते भी ऐसे हो रहे हैं, देखो वो ठीक रहा। हाँ मंदिर में गए, तुम नाम नहा दे। अच्छा, देखिए फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं, देखिए यहाँ से हमने चाची लोगों को साथ, चाची लोग भी आ रहे हैं, उनको साथ लेके जाना है। ये पहुँचने वाले हैं अब, ये हम पहुँच गए पुराने घर के पास। ऊन मलछी ये आए हैं, हम जा रहे हैं पुराने घर में चचा लोगों की। ये भैंस ये आग जला रखते हैं, इसलिए जलाते हैं कि ये इनको जो मक्खियाँ लगती है ना वो ना लगे, क्योंकि पहाड़ में सब ज़्यादा देखने को मिलता है, आजकल गर्मी का टाइम है। ये देखो ये हमारे चचा श्री, देखो भाई ये देखो, ये पीली ककड़ी कालसन का मंदिर है ये। अब हमने अभी ये जो नीचे दिख रहा है मिर्च लगाई है खेत में, और ये यहाँ पर अदरक। अब हमने जाना है इसी रास्ते से नीचे को, अब हम आओ ये। अब हमने ये है इन माल्टा चन्ने, हाँ ये माल्टा है, देखो ये अदरक। अदरक बहुत अच्छी होती थी लेकिन अब हो नहीं पाती है इस टाइम। ये हमने अभी जाना है जो नीचे दिख रहा है, इसके नीचे जाना है, बिल्कुल बहुत नीचे और डाउन में। यहाँ से ये क्या था, ये क्या था, कुछ अलग ही दिख रहा था यहाँ पे। अभी मुझे ऐसा लगा जैसे सांप हो, पर सांप था नहीं। ओह देखो घास, घास बहुत हो रही है यहाँ पे। अभी हमने बहुत नीचे जाना है, वो इससे नीचे, उससे भी नीचे जाना है हम लोगों को, अभी बहुत दूर है। हाँ।
ये आ रहे हैं देखो। ये पेड़ हैं, केले के पेड़ हैं, ये देख सकते हो। ए देख भी रहे हैं साहब यहाँ पे हसन हैं। ओए देखिए ये देखिए हमारे चाचा लोगों का मकान आ गया। ये रोड आ गई। चलो मिलते हैं हम नीचे, तब तक के लिए ताकि लोग इतने दूर से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये देखो कैसी रोड है, ये देखो पतला सा रास्ता। बस हम लोग पहले यहीं से पानी लेके जाते थे, ना ना उससे नमस्कार ठीक है रहा। होए पंचमी के उपलक्ष्य में ये है हमारा नौला, हम लोग यहीं से पहले पानी लेके जाते थे ये। और ठीक है हाँ, ये मंदिर है, ये कुकड़ी का मंदिर कहते हैं इसको। ये देखो इसमें निशान चिन्ह भी होगा, दिख रहा होगा तो आपको। ये देखिए ये हमारा नौला, ये सदाबहार पानी रहता है यहाँ पर। ये पानी बहुत ठंडा पानी है, ये देखिए इतना सारा पानी, ये पानी सूख जाता है बाद में। देखिए ये मनमोहक दृश्य, ये हमारा स्कूल है भाई, हमने यहीं से पढ़ाई की थी, यहाँ से आते थे हम। इतना दूर है, अब दिखा दूँ, यहाँ से आते थे हम, ये ऊपर दिख रहा है, यहाँ से हम वहाँ जाते थे स्कूल, नीचे बिल्कुल एकदम डाउन में, ये यहाँ पे इस एरिया में ये स्कूल यहाँ पर। ये देखो ये देखिए इससे ऊपर वो धौन पड़ती है, धौन से उधर वो चंपावत पड़ती है, इसके जस्ट सामने में हमारा गांव है। हमने जाना है यहाँ पर ही नीचे, ये देखो यहाँ पर जो मकान दिख रहा है, हाँ यहाँ पर जाना है अभी, यहाँ से जो हाँ ये नीचे यहाँ पे अभी हमने जाना है, हम यहाँ पहुँच गए ऊपर, इधर इधर से हमने नीचे जाना है सीधे। फ्रेंड्स आधा आ गए हम लोग, आधा और है। ये देखिए रास्ता बहुत ख़राब है, रास्ता आप देख सकते हैं इस तरह का रास्ता है। और आज मैं आपको ऐसे पत्थर से रूबरू कराऊंगा कि आपने शायद ही किसी ने सुना हो इस पत्थर के बारे में। ये पत्थर पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, तो हम बचपन में इसमें सुसुकी भी खेलते थे, ऐसा नहीं है। ये पत्थर इतना बड़ा था कि यहाँ से नेपाल ये पत्थर चमकता था। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँचने वाले हैं सतनौला, सतनौला इससे ऊपर था नौला, जब फर्स्ट मैंने आपको दिखाया था वो नौला था, ये नीचे सतनौला है। अभी अब मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको कि जब हमारे यहाँ ऊपर पानी नहीं रहता है या गर्मियों में कम हो जाता है तो
तो हमारे यहाँ से यहाँ आते हैं पानी भरने के लिए सतनोले में। फ्रेंड्स यह रास्ता, अभी हम सतनोला पहुँच गए हैं और वो लोग पीछे से आ रहे हैं, देखिए चल नहीं पा रहे हैं ये। कैसा लग रहा है आप लोगों को पैदल चलने में? इनकी बहुत हालत ख़राब हो रही है, ये देखो। फिलहाल हम तो चलने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं, चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सतनोला पहुंच गए हम, ये देखिए। पहले यहाँ भी नोला ही का टाइप का था, अब तो ये थोड़ा सा जो कर दिया है तो ये बना दिया है। यहाँ का पानी बहुत अच्छा होता है, बहुत ठंडा होता है पानी यहाँ का, ये देखिए बहुत ही ठंडा पानी है। जोंक भी होते हैं इस पानी में, थोड़ा संभल के। इस पानी में जोंक भी होते हैं, इंसानों के नाक में भी चले जाते हैं, थोड़ा संभल के। हाँ मैंने झूठ बोला, सच मान गई। वैसे होती है, ऐसा नहीं है आदमियों की नहीं जाती है, जानवरों की चले जाती है। ये तो सच है कि जानवरों की नाक में जोंक चली जाती है। बचपन जब हमारे ऊपर गाय भैंस थी, हमने भी देखा है कि हाँ जोंक चली जाती है। अभी फ़िलहाल इंसान के नाक में तो मैंने देखा नहीं है, सुना ही सुना है। ये हमारे बब्बी हैं, भाई है मेरा प्यारा, जहाँ भी जाते हैं, मैं गांव में आता हूँ तो ये मेरे साथ चल देते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी इनका भी इंस्टाग्राम में पेज है। किस नाम से इंस्टाग्राम में, किस नाम से इंस्टाग्राम में? जिद्दी बॉय हैं, जिद्दी बॉय, जिद्दी बॉय के नाम से। उसको भी फॉलो कर लें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अभी हम जा रहे हैं, वो लोग तो ऊपर रुक गए हैं क्योंकि चल नहीं पा रहे हैं, बच्चा भी उनके पास है छोटा। हम आगे हैं ऊपर, वो देखिए, ये यहाँ से हम आगे हैं नीचे। ये जो पहाड़ी दिख रही है उसके पीछे से आ रखे हैं, इसके पीछे से ऊपर को जा करके है, वहाँ से हम यहाँ पहुँच गए हैं अभी। अब हमें सीधे और नीचे को जाना है, बस 15-20 मिनट रास्ता और रह गया नीचे को, 15 मिनट का। यहाँ ऊपर पामा कहते हैं, पामा, यहाँ पहुँच गए हम। और हम अभी नीचे को जा रहे हैं, लोग पीछे रह गए हैं, आ रहे हैं फिलहाल। तो अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये रास्ता। फिर भी यहाँ को तो रास्ता फिर भी ठीक है, ऊपर को तो बहुत ही ख़राब रास्ता, क्योंकि रोड कटिंग हुई थी तो उसकी वजह से ऊपर से सारा मलबा हमारे रास्ते में आ गया था, तो इसलिए दिक्कत हो रही थी। और एक मंदिर ये सामने में है, ये मंदिर है इसके जस्ट सामने में। अभी मैं नीचे से दिखाऊंगा, यहाँ से दिख नहीं रहे हैं, हमारे जो स्टेप हैं वो नीचे हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुँचे हैं अभी नीचे, ये पामा कहते हैं इधर, ये इधर है। हम आते थे पहले यहाँ पे बचपन में, जब हमारे अभी भी खेत हैं हमारे, हम यहाँ आते थे। हम यहाँ छप्पर बना करके कई महीनों तक गाय भैंसों के साथ, बुबुलों के साथ रहते थे, खूब इंजॉय करते थे यहाँ पे ऊपर। अब तो हमारे पास गाय भैंस कुछ है नहीं, तो इसलिए आना जाना कम ही रहता है। तो अभी हम पहुँचे हैं इधर, ये बजोन, ये इधर, उससे ऊपर है नाइला जो टॉप में वो दिख रहा है, और वहाँ पे 3 टावर दिख रहे होंगे आपको इस एरिया के बीच में। ये इधर ही है कहीं, यहाँ से दिख नहीं रहे। उसके पल्ली तरफ है धौन, वो उधर है साली, सल्ली कहते हैं, सामने में जस्ट सामने वो सल्ली, साली वो वहाँ दिख रही है, वो साली सल्ली है। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं, काफ़ी थकान भी हो गई है क्योंकि डाउन भी बहुत है नीचे को, सोच रहे हैं आते समय चढ़ाई में कैसे चढ़ेंगे, जाना पड़ेगा, चलो जैसे भी भाई। ओ आराम से कीचड़ देख लो भाई साहब, ये देखिए बहुत ही दलदला कीचड़ हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए। ज़िंदगी तो हमारे पहाड़ में ही है, लेकिन क्या करें, रोडों की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
कोई नहीं आता है भाई ऐसे गांव में, कोई मंत्री नहीं, कोई संतरी, कोई नहीं आता है ना। रोड कटवाई ऐसे कटवाए कि यहाँ इंसान चल नहीं पा रहे हैं इस रोड में। अभी हमने तो काफ़ी पीछे रह गए लेकिन आए नहीं, क्या बात। हेलो, ऐसी रोड है भाई, ये रोड बना रखी है, रोड कटिंग हो रखी है, देखिए ये। अब देखो आगे से दिखेंगे ना मंदिर, तो दिख नहीं रहे यहाँ से। हमारे मंदिर हैं गजार बाबा और सिद्ध बाबा का मंदिर यहीं है नीचे, और तो पाँव भी दर्द करने लग गए हैं। ये देखिए, ये देखो भैया, ये झाड़ी तो आपने बहुत देखी होगी इस तरह की, इसने तो सारा जो घास होती थी जंगलों में ख़त्म कर दी है। ये देखिए ये घास बहुत। फ्रेंड्स तो हम पहुंच गए हैं अभी फ़िलहाल, अब हमने जाना है यहाँ पे। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इस एरिया में जाना है हमने, जो ये यहाँ पर को ये। अभी भी हम बहुत ऊपर हैं, हम ये हमारे मंदिर हैं, जय हो गुरु गजर बाबा। फिलहाल हम यहाँ पहुँच गए हैं, कुछ किलोमीटर की दूरी रह गई है, आधा किलोमीटर होगा ना यहाँ से, आधा किलोमीटर होगा यहाँ से लगभग, बस पहुँच जाते हैं। देखो रास्ते देख रहे हो भाई साहब, ये रास्ते देखिए यहाँ से, देखो आप देख सकते हैं, ये देखिए रास्ते नीचे क्या है, नीचे पूरी खाई है, ये रोड की वजह से हो रखा है। ये रोड पहले कटिंग हुई थी ऊपर, तो वहाँ से पहाड़ खिसक गए नीचे, रोड तो बनी नहीं फिलहाल, खोला नहीं खोला। ये देखिए पहुँच ही गए हैं फिलहाल तो हम, है ना, है ना। ये देखिए हम पहुँच गए हैं खोला, ये ओह ये हमारी अच्छी है, इतनी सुंदर गाय देख रहे होंगे आप फ्रेंड्स, देख रहे होंगे ये। हेलो, ये गाय है, गाय का बछड़ा है, दिखा दूँ यहीं पर जाकर के दिखा देता हूँ, ले भाग मत, ओ तो गजब ही डर रहा है फ्रेंड्स, पता नहीं किसकी है लेकिन डर बहुत है ये बेचारी, है ना। पहुँच गया खोला, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए फ्रेंड्स हम खोला पहुंच गए हैं। ये ऊपर कद्दू है ना, कद्दू से कद्दू से चल, हाँ इन लोला पूछ जान ऐ थक गया कि अरे मैं पकड़ने वाली थी ऊन नहीं रहा ना, लाओ लेके आओ, लो बैग मेरे पास दो, पूजा चल रही है यहाँ पर, पूजा चल रही है। देखिए ये मंदिर है, ओके ये मंदिर दिखाओ, देवदार का मंदिर, बहुत ही सुंदर देवदार का मंदिर। ये हम पानी के पास पहुँच गए हैं, ये देखिए ये लोग आ रहे हैं ऊपर से, ये लोग आए थे हम लोग आते हैं, ये देखिए पानी पियो पानी पियो, मैं पी के आया हूँ, ये तीसरा पानी, फर्स्ट ऊपर फर्स्ट नौला, सेकंड सतनौला, थर्ड खोला, ना अबे चौथा, हाँ ये देखिए ये चौथा पानी, ये है पानी, यहाँ पे पानी पानी है, ये पानी भी कम नहीं है, पानी बहुत है यहाँ पे, और फूल भी बहुत बढ़िया लगा रखे हैं। ये देखिए शायद सब लोग ये ठीक है ना, ठीक है रे, हाँ सब बोटी बुलाओ, ये पहुंच गए हैं, अरे ये आ गया।
तो ये पहाड़ है इतना चलने के बाद हम अपनी मंजिल में पहुंच ही गए। ऊपर वाला देखो जहाँ जब जहाँ जहाँ आना होता है ना पूजा या कहीं धर्म स्थलों में या धार्मिक स्थलों में कहीं भी आना पड़ता है तो भाई जब तक बुलावा नहीं होगा ना हम आ नहीं पाएंगे। मैं अपना घर होने के बाद यहाँ भी कई दिनों के कई महीनों के बाद आ रहा हूँ, इससे पहले मैं यहाँ पे आ नहीं पाया। देखो आज बुलावा था आगे हम फाइनली पहुँच गए फ्रेंड्स। ये है नीचे देख सकते हैं वो लोग ने कपड़े सुखा रखे हैं बढ़िया करके और फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये देखिए फिर चलो चलो बस मम्मी आ गई है वो तलवर छेट हिट हिट पहुँच गए भाई पहुँच गए हम किला जान पड़ गया आवे रे हैं और जी नमस्कार। अरे ऊबट है ठीक ठीक हेलो भाई फाइनली पहुंच गए हम जय हो मंदिर में। ये देखिए तो हम पहुंच गए हैं मंदिर के चारों भाग के। ये मेरे कब देना है तो कौन सा तुम रील है तुम हो ना यार मेरे को दिखा ये देखिए चाय बनी है। मंदिरों में आके एक फायदा होता है कि पानी कम दूध ज़्यादा डलता है। हाँ मंदिरों में एक फायदा तो है। ये आए हमारे नीरू
हाँ तुम लड़ा जाना आपस में। ये अब हमने ये पूजा हो गई है फिलहाल, अब हमारी बनेगी चाय या जल में। हाँ अब बनेगा प्रसाद चॉकलेट। देखिए ये बन रहा है अब सब में बांटने के लिए प्रसाद। इधर बन रही है चाय। वो क्या कहना है, पानी कम दूध ज़्यादा। हाँ ये डरनी चाहिए, चाय बड़ी होनी बढ़िया होनी चाहिए। हाँ हाँ एक चाय बनाने के लिए इतने लोग हैं यहाँ पर। ये पूजा करके बाहर बैठे हुए हैं अभी, अब थोड़ी देर में चाय पिलाते हैं इनको हम लोग। ये हमारी मैगी, ये देखो हाँ इसमें खिचड़ी बनेगी। क्या बन रही है इसमें? और ये मैगी आज काय में बनाई मैगी आप लोगों ने? घी में, घी में बनाई है। अच्छा और इसमें बहुत सारे हैं, टमाटर वेजिटेबल डाले हुए हैं इसमें। देखिए ये हमारी मैगी बनने वाली है, बस बहुत पतली बनाई है, पानी बहुत नहीं डाल दिया इसमें। अभी ये पकनी है तो 5 मिनट। अच्छा और ये हैं देखो ये खिचड़ी की तैयारी, और ये बन रही है हमारी मैगी। भाभी का भाई बहुत दूर जाके मैगी लेके आए, पसीने उल्टे काम कर रहे हैं पीछे। हाँ। तुम्हारे भाई छोटा भाई तुम्हारे कपड़ों में देखो, वो देखो वाली कौन है। कितनी सुंदर हवा चली हुई है अभी यहाँ पे। ये देखो ये आम का पेड़ है, नीचे ऊपर बादल लगे हुए हैं। ये देखिए पारस अब डाल अब डाल अब डाल ऊपर से। ये गाय की देसी घी के साथ खिचड़ी, और ये हमारी मैगी तैयार, आलू काटे हुए हैं। ऐसा एक इसमें खिचड़ी में डलेगी ना? हाँ ये खिचड़ी में डालने वाले हैं। हम सोच रहे हैं कि ऐसे ही खा लें, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पकना जरूरी है इसको। बनाई भी मैंने हफ्ते में करी। ये देखो ये हमारे छोटे गोटी लगे हुए हैं यहाँ पर। कौन है तो? ये देखो ये है निकल जिससे अभी दूध पीने वाले हैं बस। हमारी मैगी तैयार, ये हमारी मिर्च के साथ।